अरे वो ये तेरे फोन में मेरा फोटो क्यों दिख रहा है बेटा? मम्मी जी मैंने ना आपका वॉलपेपर लगाया हुआ है। बात तो सही है। मम्मी जी मेरे ऊपर ना जब भी कोई मुसीबत आती है या मैं कोई टेंशन में होती हूँ ना तो मैं आपका फोटो देख लेती हूँ मोबाइल में। अरे मेरी बहू इतना प्यार करती है मुझसे। अरे मेरी बहू कितनी प्यारी है। अभी पता चलेगा। भगवान कितनी अच्छी बहू मिली है मुझे। फिर मैं आपका फोटो देखकर सोचती हूँ कि मैं इतनी बड़ी मुसीबत के साथ रोज रहती हूँ तो बाकी सारी मुसीबतें तो मेरे लिए बहुत छोटी मोटी है। सुनो अपना फोन चेक कराओ। ये लो ये भी पकड़ो, ये भी लो। ये क्या है? पापा का, मम्मी का, भाई का, बहन का, उसके जीजा के सांडू का, पांडू का, सबका, पूरे खानदान का फोन है। आराम से बैठ के चेक करो। सबके फोन नहीं चाहिए, सिर्फ अपना दो। पासवर्ड बताओ। अब ये क्या है? फेस लॉक। पासवर्ड बताओ। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ मेरे फोन का पासवर्ड है। लड़कियों के फोटो भी लाइक किए हैं। कजन है मेरी, फुफेरी बहन। ये वाली तो नहीं है। हाँ तो इसे अनफॉलो कर दो। मैं कौन सा ऊपर से लिखवा के आया हूँ कि जब तक जीऊंगा इसे फॉलो करूंगा। और लड़कियों से उनके कपड़ों की तारीफें भी हो रही हैं। हाँ करी मैंने तारीफ, मैंने करी। और ये भी पूछा है कि ये ड्रेस कहाँ से लिया है? क्यों? तुम्हारी वजह से, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी आ रही है। जब इन चुड़ैलों पे ये ड्रेस इतनी अच्छी लग सकती है तो तुम पे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। हम लड़कों का क्या है, एक जींस एक टी शर्ट में काम चला लेते हैं। और ये कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है दोस्तों के साथ? दोस्त प्लान कर रहे हैं, मुझे तो प्लान को कैंसिल करना है। क्यों? क्योंकि उस दिन तुम्हें कोई काम आ जाएगा, फिर मैं तुम्हें शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, उसके बाद शाम में खाना ठुसवाऊंगा, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे घर पे घुमाने ले जाऊंगा। वैसे तुम्हारा मुंह इतना लाल क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने सांस रोक रखी है। क्यों? ताकि मेरी सांसें तुम्हें चुभ ना जाएं। अच्छा वो सब छोड़ो, खाने में क्या बना रहे हो? जहरीली मंचूरियन सांप की चटनी के साथ। वैसे शादी से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? ऊपर से आसमान से बिजली गिर के मैं दो भागों में कट क्यों नहीं गया? मेरी पसलियां आपस में मिल क्यों नहीं गई? गला घोट दो मेरा, घोट दो मेरा। अच्छा वो जो मैंने बोला था तुम्हें कॉस्मेटिक में, मेरी वो क्रीम लानी है। ले आया तुम्हारा सब ले आया। हाँ यार यही है वो क्रीम। थैंक यू सो मच। चलो ये क्या चीज है दूसरी बॉटल? निकालना जरा इसको बाहर। किस खुशी मिलाई उसे? तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें अपनी रानी बना के रखूं? मैं रानी क्या, तुम्हें पटरानी बना के रखूंगा। पटरानी क्या होता है? पटरानी होती है मेन रानी, मतलब महारानी। पहले राजा महाराजा होते थे, वो युद्ध लड़ने बाहर जाते थे तो जब वापस लौटते थे तो एक आध रानी भी साथ में ले आते थे। तो जो पटरानी होती थी ना वो भले ही दो कड़वे घूंट पी ले, लेकिन वो उस वाली रानी को एक्सेप्ट कर लेती थी बड़ी आसानी से। तो रुको जरा, कौन सी जंग जीत के आए तो? और ये तुम कड़वे घूंट पीने की बात करो ना, वो जमाना चला गया जब पहले औरतें सहती थी। अब देखो ऑफिस जो हमारा है वो भी तो एक जंग का मैदान ही है यार। अब थका हारा एक आदमी बेचारा अगर वापस लौटता है घर पे तो रानी वानी तो ला नहीं सकता, तुम लाने नहीं दोगी? तो बेचारा एक दो हाफ या पूरी बोतल कभी कभार तो दो दो कड़वे घूंट ही सही। चलो ठीक है कभी कभी ले सकते हो, में कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ जो तुम ये रानी वाली बात कर रहे हो ना ये दोबारा मत करना। बेटा जल्दी चलो, भुआ जी ने हमें खाने पे बुलाया है। मम्मी मैं नहीं जाती, भुआ जी हमेशा मेरे को ताने देती रहती है, हमेशा हर बात पे टोंट कसती है भुआ जी। तो क्या बात कर रहे हैं बाबा? अरे बेटा पैसे मिलेंगे, सगुन का लिफाफा मिलेगा। चलो चलो मम्मी जल्दी चलो, लेट क्यों कर रहे हो आप? भुआ जी वेट कर रही होगी कब से हमारा।